हेलो सभी को, अगर आप इंसानियत में दोबारा विश्वास बहाल करना चाहते हैं तो इसे देखिए। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कुछ लोग शार्क के हमले से कछुए को बचाते हैं, पानी से भरे घर से कुत्ते को निकाल। स्पॉइलर, एक सेलिब्रिटी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, क्या आप उसे देखना चाहेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप समुद्र के बीच एक बोट ट्रिप पर हैं और अचानक आपको एक शार्क नजर आती है जो एक कछुए को खाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे वक्त आप क्या करोगे? बहुत से लोग शायद इस जगह से निकल जाना ही बेहतर समझेंगे, क्योंकि हर कोई जानता है कि इसका नतीजा क्या होगा। लेकिन इस वीडियो के हीरोज ने ऐसा नहीं किया। जब उन्होंने इस कछुए को मुसीबत में फंसा हुआ देखा तो उसकी मदद के लिए लोग आगे आए। उन्होंने शिकारी को भगा दिया और फिर धीरे से कछुओं को अपनी बोट पर उठा लिया। इन लड़कों ने इसे कुछ समय का ब्रेक दिया और सुरक्षित महसूस होने पर इसे दोबारा पानी में छोड़ दिया। ये तो सचमुच में माहिर है। इस लड़के ने एक बड़ी व्हेल को एक झटके में फिशिंग नेट से आजाद किया। लगता है इसे इस काम का अच्छा एक्सपीरियंस है। वेल डन। वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति रजनीकांत से कम नहीं है। हम मजाक नहीं कर रहे, क्योंकि कोई अपने हाथों से एक शार्क को ऐसे खींच सकता है, भले ही एक छोटी शार्क क्यों ना हो। इसीलिए इस मछली को रेस्क्यू करने के लिए दो बार कोशिश करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार ये शिकारी आजाद होकर पानी में लौट गई। यहाँ एक कछुआ ड्राइवर के पास आकर अपनी पीठ से चिपकी हुई चीज निकालने के लिए कहता है। हम समझ सकते हैं कि ये इंसान ना बिल्कुल शॉक्ड हुआ होगा। पता नहीं ये टर्टल क्या सोच रहा था। जब ये ड्राइवर के पास आया तो मानो वो कहना चाहता था, अरे भाई देखो क्या हो रहा है, मेरी मदद करो। अगर आप एक कार से रशिया का सफर करेंगे तो शायद आपका सामना एक चील से हो सकता है। सीरियसली, इस पक्षी ने टूरिस्ट का ध्यान आकर्षित करना सीख लिया, लेकिन ये अपनी प्यास बुझाने के लिए ऐसा कर रहा था। खुशकिस्मती से लड़कों ने इसे अपना पानी पिलाया। क्या आपने दोस्तों कभी एक चील के बच्चे को बॉटल से पानी पीते हुए देखा है? वॉलंटियर्स को कई जगहों पर मुसीबत में पड़े हुए सील्स नजर आते हैं। अक्सर ये मछली पकड़ने के जाल में फंसे हुए होते हैं। यूजुअली ये जानवर इंसानों को इतना पसंद नहीं करते, लेकिन वीडियो में दिखने वाले इस जानवर के बर्ताव से वॉलंटियर्स काफी सरप्राइज थे। ये बेबी सील बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं थे, और तो और आजाद होने पर ये वहां से भागा भी नहीं। इसके बजाय ये आसपास चलते हुए खामोशी से अपने रेस्क्यूअर्स को धन्यवाद दे रहा था। दुनिया भर के मौसम में काफी अजीब बदलाव नजर आ रहा है। टेक्सास के दक्षिण हिस्से में भी अचानक मौसम बेहद ठंडा हो गया। इसी कारण यहाँ के कछुओं ने अचानक तैरना बंद किया और समुद्र की सतह पर बिना हलचल किए फ्लोट करने लगे। ये जानवर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने शरीर का तापमान मेंटेन रखने के लिए तैरना पड़ता है, लेकिन इस ठंडे पानी से उनकी मौत हो सकती थी। खुशकिस्मती से सैकड़ों वॉलंटियर्स ने आकर इनकी जान बचा ली। पता नहीं एल्क नामक ये जानवर इस मुसीबत में कैसे फंस गया, लेकिन ये काफी लकी था कि कुछ अच्छे इंसान आसपास ही मौजूद थे। लेकिन इस जानवर को वहां से निकलना काफी मुश्किल था, इसलिए आखिरकार उन्होंने एक रेस्क्यू टीम की मदद लेनी पड़ी। वाव, ये गूस बिल्कुल किसी सुपर हीरो जैसा लग रहा है। जरा इसकी चोंच देखिए, ऐसी चोंच तो किसी कॉमिक बुक कैरेक्टर की हो सकती है। दरअसल इस बेचारे की चोंच एक रकून के हमले में टूट गई थी। ये जानवर अपनी चोंच के बिना भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन इसके दोस्तों ने इसके साथ छोड़ दिया था। खुशकिस्मती से कुछ अच्छे लोगों ने इसकी मदद की और 3D टेक्नोलॉजी से उसके लिए एक नई चोंच बनाई। लगता है इस मदर डक को पता था कि आगे क्या होने वाला है। उसने अपने बच्चों को पूल से बाहर निकालने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उसे पता था कि ये लड़की उन्हें जरूर बचा लेगी, और वैसा ही हुआ। ये बेचारा भी किसी तरह इन पाइप्स के बीच फंस गया था और अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद ये पूरी तरह से शांत था। ये महिला अपने ड्रेन पाइप से किसे निकाल रही है, अभी दिखाते हैं। 1, 2, 3, इट्स अ स्क्विरल। आखिरकार ये आजाद है, लेकिन लगता है ये बहरी है। ऐसी कई चीजें हैं जो केवल ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कंगारू, लेकिन ये कोई साधारण कंगारू नहीं है। ये लोग मिट्टी के बीच से जिस कंगारू को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपने उसके जैसे पहले कभी नहीं देखा होगा।
वहां से आजाद होने के बाद ये बेचारा जानवर काफी समय तक इस एस्केवेटर के पास बैठा रहा। ऐसा लग रहा था कि मारो वो अपने रेस्क्यूअर्स को थैंक यू कहे बिना नहीं जाना चाहता था। ये जानवर एक गर्म दिन पर थोड़ा फ्रेश होना चाहता था, लेकिन आखिरकार बेचारे को एक टाल के सहारे गर्म होना पड़ा। ये एक पूल में गिर गया था, लेकिन खुशकिस्मती से इस घर के मालिक ने उसे समय पर बचा लिया था। जब यह मछुआरा सुबह फिशिंग के लिए निकला तब उसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आज उसे पानी में घोड़ा मिलेगा। ये बेचारा जानवर किसी तरह पानी के बीच फंसा हुआ था, लेकिन आज उसकी किस्मत अच्छी थी और एक रस्सी के सहारे उसे बचा लिया गया। ये घोड़े का बच्चा काफी डरा हुआ था और इसे शॉक से रिकवर होने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। क्या आपको चेर का गाना याद है? एग्जैक्टली, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। लगता है वो इस गाने को रोमांटिक मतलब से नहीं गा रही थी। पता चला है कि वो जानवरों से बेहद प्यार करती है और वो उनके बचाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉप स्टार एक बार एक हाथी के बच्चों को जू से निकालने के लिए पाकिस्तान तक चली गई थी। जाहिर है इस प्रयास में वो अकेली नहीं थी। ये सब तब शुरू हुआ जब कुछ वॉलंटियर्स ने इस रेस्क्यू के लिए एक इंटरनेट कैंपेन चलाया। इस पिटिशन को दुनिया भर के कई सेलिब्रिटीज ने नोटिस किया और आखिरकार इस जानवर को एक बेहतर जिंदगी मिल सकी। इस सिंगर ने इस बेबी एलिफेंट कावान के लिए एक खूबसूरत गाना भी बनाया। आज ये हाथी कंबोडिया के नेचर रिजर्व में काफी खुशी से रहता है। लगता है कुत्ता सर्वाइवल के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसने एक पानी से भरे घर में एक तैरता हुआ सोफे पर पूरा हफ्ता बिताया। इस पूरे समय में उसने कुछ भी खाया या वैसे तो आसपास पानी तो काफी था और रेस्क्यूअर्स को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें वो जिंदा मिलेगा, लेकिन जब उन्हें उनके भौंकने की आवाज सुनाई दी तब वो बेहद खुश हो गए। कई कोशिशों के बाद इस जानवर को रेस्क्यू किया गया। और इसके बाद उसे अपने पसंदीदा खाना खिलाया गया। इतने दिनों बाद खाना मिलने पर यह काफी खुश लग रहा था। पता नहीं घोड़े का बच्चा इस पेड़ के बीच कैसे फंस गया। इस पूरे इलाके में बस एक ही पेड़ था और किसी तरह ये उसी के बीच जा फंसा। खुशकिस्मती से उसे सिर्फ एक धक्के की जरूरत थी। ओ, इस पक्षी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की होगी कि एक दिन वो ऐसी पोजीशन में फंस सकता है। वहीं इस परिवार ने भी सोचा नहीं होगा कि उन्हें अपनी ट्रिप के दौरान एक रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी किस्मत सब कुछ एक साथ ले आती है। इस पक्षी को आजाद करने के लिए इस परिवार को थोड़ी मेहनत लेनी पड़ी क्योंकि उसकी चोंच एक जाल में फंसी हुई थी, लेकिन आखिरकार सब ठीक हो गया। इस पक्षी ने अपने पंखों को हिलाकर अपने रेस्क्यूअर्स का शुक्रिया अदा किया। एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियाँ देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख ले। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।